गाड़ी ठीक करने आया मसना में, इसको मसना बोलते हैं फैक्ट्री को। अभी किस तरह से पूरा मसना दिखाएगा, गेट खोला और अंदर का सारा शूटिंग दिखाएगा आपको। ये सऊदिया है, यहाँ लोग कैसे काम करते हैं वो दिखाने की कोशिश करेगा। यहाँ टंकी बनती है और गाड़ी का ट्रेला भी बनता है, ये हमारे कंपनी है। और यहाँ बड़ी मज़े की बात ये है, यहाँ इंडिया का इस तरह से टंकी बनती है, ट्रेला की टंकी ऐसे संतोष बनते हैं। यहाँ कितना पगार होता है, इंडिया के लोग कैसे हैं, ट्राई करूँगा दिखाने की। और यहाँ इंडिया के मशीन है जो गुजरात के राजकोट के है, 25 साल पहले मंगाए थे। ये टंकी बनती है, ये मशीन है। तो आखिर में इस मसना के अंदर आया, ये टंकी है, इस तरह से टंकी बनाते हैं। ये मैं ये चीज़ दिखाने जा रहा हूँ कि यहाँ पे पहले तो वो गाड़ी निकालूँगा, फिर वहाँ पे मेरी गाड़ी लगाऊंगा ये ट्रेला। तो ये गाड़ी को बाहर निकालेगा और वो मेरा ट्रेला इधर रखेगा, उसके बाद आपको थोड़ा शूटिंग दिखाता हूँ। ये गैरेज है बड़ा, वर्कशॉप है। तो अब इधर लगाएंगे हम गाड़ी ट्रेला। देखो चालू है, ये मशीन गुजरात का है, अब देख सकते हैं राजकोट का सोलार कंपनी का गण मशीन बोलते हैं इसको। हाँ, गुजरात का है ना, गुजरात का। ये यहाँ लिखा है महेश राजकोट, मेड इन इंडिया। ये 25 साल हो गया होगा ये मशीन आया हो। 16 साल हो गया। 16 साल कहाँ से हुआ? 16 साल हमको मालूम है ना, हम आए थे तो ये लाइट है, इसके ऊपर गेट लगा है, उधर बोर्ड गेट लिखा है, डेट भी है, ये डेट लिखा हुआ है, ये देखिए 2003 में आई थी। और उधर भी है ना, नहीं उधर भी मशीन है ना, ये मशीन गुजरात की है। अरे भाई साहब पाकिस्तानी है, यहाँ टंकी बनती है, मैं ये डंपर लेके आया हूँ। ये जो है ना, हाँ ये इंडिया से लाया था 2003 में, 2003 में आई थी। हाँ देखो इस तरह से यहाँ गुजरात की मशीन है, ये हमारी कंपनी है सोनार कंपनी, इंडिया से बनी हुई है। हाँ तो ये ऊपर लिखा है, ये मोनोग्राम के ऊपर लिखा है, ये मोनोग्राम है ना, नीचे करो ना थोड़ा नीचे, ये इंडिया, जिसको जूम कर लो, जूम कर लो तो इंडिया क्लियर आएगा। स्टिल करो कैमरा, स्टिल नहीं, हो गया। कलर करते हैं हमारी कंपनी में। कहाँ गए आप? सफेद मारती है ना। हाँ सिलेंसर खोल के चेक करेंगे, कौन सा खोलेगा सिलेंसर, खोल के चेक करेंगे किससे आ रहा है। सिलेंसर नहीं, वो उसका ऑयली है। देखो यहाँ पे स्टॉक पड़ा है, रमल मारते हैं ना इससे, कैसे मारते हैं उधर है। चलो दिखता नहीं है दूर से। तो यहाँ पे जो लोग आते हैं काम करने, उसका वेल्डिंग होता है, उसका ये कारीगर होता है, उसका 1200 रियाल से 3000 रियाल तक पगार होता है और ओवर टाइम होता है इस तरह से। हाँ क्या हाल है, तो टंकी बनाते हैं, ट्रेला बनाते हैं, इंडियन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, फिलिपीन, इंडोनेशिया, ये ट्रेला बनाते हैं। फिर इसमें बिठाते हैं, इस तरह से ठेसिस आता है, इसमें बिठाते हैं।
और मैं गुजरात का जो मशीन दिखाया और थोड़ा दिखाता हूँ। यहाँ पे और है गुजरात का मशीन। अभी खाने का टाइम हो गया है तो इसका ठीक है। अभी 12 बजा है तो इस तरह से टांकी का काम होता है। और यहाँ पे भी गुजरात का मशीन आपको इंडिया का मतलब दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये राजकोट का है, आपको मिलेगा ठीक है। ये ग्रिल और दूसरा ये है अकिन के साथ। ये गुजरात लिमिटेड, इसका ज़्यादा साल हो गया। ये लेथ है, ये भी है। तो यहाँ पे सऊदीया में भी गुजरात का इंडिया का मतलब मशीनरी आता है तो हमें खुशी होती है। और यहाँ काम करने वाले को 1200 रियल से 3000 तक पगार होती है। जो पुराने होते हैं उसका थोड़ा ज़्यादा होता है, उससे ज़्यादा किसी की पगार नहीं होती है। और कुछ ओवर टाइम होता है तो 200-300 रियल बस इस तरह से होती है। यहाँ भी तो इस तरह से, यहाँ भी मशीन है। अभी टाइम आउट हो गया है सबका। तो ये शर्माते हैं, कोई इंटरव्यू नहीं देते हैं क्योंकि घर वाले शायद देखते। लेकिन इस तरह से काम होता है, 12 बजे तक काम करते हैं लोग। और अभी 12 बजे खाने के लिए ड्यूटी खलास होगी खाने के लिए। तो थैंक यू, ये मैं गाड़ी लेके जाएगा। अभी ये गेट है, उस गेट से खोल कर मैं जाएगा। इसको थोड़ा बोलूं, हाँ बाप एकता मीन बाप है बंगाली। तो यही कंपनी है, ये अलखर अच्छुरुक।